हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसईओ मार्क्स चैप्टर 29 क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल शुड बी स्मॉल स्मॉल कंपेयर टू व्हाट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्ज होते हैं उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, तो वो कम होता है किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में कम होता है, वही पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट? दो चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ अपोजिट साइड, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है, क्यू, अपोजिट साइड है, एक प्लस है एक माइनस है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जब ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो इसी कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं डी है। क्लियर है? तो यही पूछ रहा है कि ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है डी, यहां पर दिखा रहे हैं, ये डी जो होता है बहुत ही कम होता है, स्मॉल होता है, तो किसके कंपैरिजन में कम होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, क्लियर है, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्लियर है? इसके सेंटर से मान लेती है इसका सेंटर है, इसके सेंटर से आप कहीं भी नॉर्मली स्मॉल आर डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं। आप देख सकते हैं डिटेल से थ्योरी में जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आप ड्राइव करते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर आप मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पर, अब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, क्लियर है, तो ये जो डिस्टेंस आर जो होता है, इस डिस्टेंस आर के कंपेरिजन में ये d जो है बहुत ही कम होना चाहिए, r के कंपैरिजन में ये d जो है बहुत ही कम होता है। और ऐसा एज्यूम करते हुए ही आप ऊपर नोटिस करेंगे हम लोग सारे फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, आप जितने भी स्पेशल केसेज हैं आप उन सारे फॉर्मूले को याद रखते हैं, वहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस से, किस डिस्टेंस से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पर जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना होता है, तो वो डिस्टेंस जो है आर, उससे ये काफी कम होना चाहिए। क्लियर बात है? सॉरी, उल्टा लिखिए, ये आपका डी जो है ये बहुत ही कम होना चाहिए आर से, डी जो है आर से बहुत ही कम होना चाहिए। तो आंसर के नाम पे आप लिख सकते हैं स्मॉल कंपेयर टू वाट, आप लिख सकते हैं द टू चार्जेस, the distance between two charges, the distance between two charges, the distance between two charges, चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं स्मॉल d जो कि यहां पे दिखा रहे हैं, फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल शुड बी ए स्मॉल should be small compared to the distance, compared to the distance, किस distance के comparison, distance, कौन सा distance, distance from center of dipole to the point, from center of dipole to the point where electric field or electric potential is to be calculated, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना होता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का होता है, ये डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। क्लियर बात है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।